आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मलिक। मैं आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपका केंद्रीय विद्यालय रिगार्डिंग। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय का जो स्टैंडर्ड वन का क्लास वन का फॉर्म हम सही तरीके से कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सही तरीका। मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इसी तरीके से अगर आप फॉर्म भर लेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ मैं एक वेबसाइट पर आ गया हूँ, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये वेबसाइट है kvonlineadmission.kvs.gov.in। यह है इनका वेबसाइट जो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय का क्लास वन के लिए ये यूज होता है ये वेबसाइट। तो इसको हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम जो पहले पिछले जो वीडियो आपको बनाया था रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, मैं पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो मैं यहाँ लॉगिन करूँगा। यहाँ अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो मेरा जो आई बटन में आपको दिखेगा आपका जो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, न्यू जो स्टूडेंट्स होते हैं ये रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो आप आई बटन में जो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे बताऊँगा। तो पहले मैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो मैं पहले अभी लॉगिन करना चाहूँगा। तो यहाँ देखिए होम है, हेल्प डेस्क है, अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो हेल्प डेस्क में जाके आप कॉल कर सकते हैं। आप FAQs रजिस्टर और आपका लॉगिन, यहाँ हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ लॉगिन कोड, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आपका मोबाइल पे आपका मेल आईडी में आ जाएगा, उसी नंबर से आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जो बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ होता है यहाँ हम भर देंगे, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद आपका कैप्चा कोड। कैप्चा कोड भर देने के बाद यहाँ करेंगे लॉगिन। यहाँ मेरा जो आपका जो पहले जो भरेंगे फॉर्म, ये पहला पेज आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको भरना पड़ेगा। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, इसके बाद पेरेंट डिटेल्स देना पड़ेगा, इसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल्स देना पड़ेगा, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, और इसके बाद डिक्लेरेशन एंड सबमिट आपको करना पड़ेगा। ये जो पांचों स्टेप है इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये पांचों आपका फिलअप कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ फिलअप करने के लिए आप क्या करेंगे ना, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट ये सब आ गया है जो आप पहले भर चुके हैं। यहाँ देखिए यहाँ आ गया आपका वेदर चाइल्ड और ग्रांड चाइल्ड ऑफ KVS एम्प्लॉयज, यहाँ तो हम नॉट एप्लीकेबल कर दिए हैं, यहाँ नो कर दिया है, ये तो मिडिल नेम नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ तीन ऑप्शन है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं तो आप ये दो ऑप्शन चूज करिएगा, अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ चूज करिएगा। यहाँ अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में आते हैं तो यहाँ क्लिक करिएगा, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के अंडर आते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो भी क्लिक करेंगे ये इस सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं अभी डोंट बिलोंग टू इनकम लो इनकम ग्रुप में क्लिक करता हूँ, लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा मान लीजिए EWS में होगा या आपका पॉवर्टी लाइन BPL में होगा तो इसको आप चूज कर दीजिएगा। मैं फिलहाल आप क्या करता हूँ, डो नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप में सिलेक्शन करता हूँ। इसके बाद आपका कास्ट कैटेगरी आता है, कास्ट कैटेगरी में मान लीजिए SC हुआ, OBC हुआ, जनरल हुए, मैं यहाँ जनरल को प्रेफर करूँगा, यहाँ जनरल क्लिक कर देंगे। लेकिन आपका जो होगा, आप मान लीजिए OBC में हैं, क्रीम लेयर है, OBC नॉन क्रीम लेयर है, SC हैं, ST हैं, जो भी है आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा। मैं यहाँ जनरल पे जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप यहाँ है हमारा ए पॉजिटिव, हम चूज करेंगे ए पॉजिटिव चूज करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए सही तरीके से हमने बोल लिए, इसके बाद हम करेंगे यहाँ नेक्स्ट। सॉरी, प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट सिलेक्शन। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, कुछ ऑप्शन, सॉरी यहाँ जेंडर का ऑप्शन आ गया था, हमने नहीं दिए थे, तो पहले हम इसको फिलअप कर फीमेल करेंगे। फीमेल करने के बाद ये जनरल हो गया, ये डोंट हो गया, ये आपका
वेदर अप्लाइंग सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी आप करेंगे यहाँ नो करेंगे। अगर आपका सिंगल गर्ल होगा एक लड़की है तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए आपका एज ए मदर, पहले मदर डिटेल्स देना पड़ेगा लेफ्ट साइड में और यहाँ फादर डिटेल्स भी देना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ चूज टाइटल मदर डिटेल्स में आपका यहाँ मिसेस करेंगे, ज़्यादातर मदर हैं, जो जिन बच्चों का जो मदर नहीं है वो पास हो चुके हैं तो लेट कर दीजिएगा, और ये आपका एमएस कर दीजिएगा, नहीं तो आप मिसेस कर दीजिएगा। मैं यहाँ मिसेस कर रहा हूँ, मदर्स फुल नेम यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ गया फुल नेम, फुल नेम आने के बाद चूज नेशनलिटी करेंगे इंडियन, अगर आपका दूसरा आगा तो आप कर दीजिएगा। यहाँ देखिए डू यू वांट टू मदर्स रेसिडेंशियल लेटर टू ऑटो फिल फादर्स, इसका मतलब ये है अगर आप मदर में जो फिल करेंगे वो फादर में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। मान लीजिए आपका एड्रेस हुआ, आपका स्टेट हुआ, आपका रेसिडेंस का एड्रेस जो भी है, पिन कोड हुआ, अगर आप सेम है तो आप मदर का फिल हम करेंगे, तो अगर इसको ये यस यहाँ करेंगे क्योंकि हम मदर में जो देना चाहेंगे ये फादर में भी आ जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ, यहाँ देखिए पहला हो गया कंट्री रेसिडेंस। देखिए थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप धीरे से काम करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, धीरे धीरे आप काम करिएगा, कोई टाइम का लिमिट नहीं है। तो यहाँ हम कर देंगे इंडिया, देखिए कंट्री रेसिडेंस हो गया इंडिया, स्टेट हो गया हमारा उड़ीसा, अगर आपका जो भी स्टेट होगा आप लिख दीजिएगा, मैं यहाँ उड़ीसा करूँगा, और सिटी हो गया हमका बालेश्वर, सिटी हो गया बालेश्वर। इसके बाद हमारा एड्रेस हमने देना चाहिए, बालेश्वर, बालेश्वर हो गया, एड्रेस दे देंगे 8 मानसिंह बजर, आपका जो होगा दे दीजिएगा, कॉमा पोस्ट मोतीगंज, पीएस हो गया आपका टाउन, और डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका बालेश्वर। देखिए यहाँ हम जो भर रहे हैं ये पूरा फिलअप होते जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ चूज किए हैं, इसे चूज किए हैं, यहाँ यस कर दिए हैं, नो करेंगे तो ये फिलअप नहीं होगा, यस करेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा, मदर का जो होगा मदर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपका पिन कोड दे दीजिएगा, पिन कोड हमने भर दिए। इसके बाद लैंडलाइन नंबर है हमारे पास, लैंडलाइन नंबर दे दिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दे दिए हैं। इसके बाद हम दें मेल आईडी, हमने मेल आईडी दे दिए हैं। दे देने के बाद हमारा यहाँ ऑक्यूपेशन, हम यहाँ मदर का हाउसवाइफ करेंगे। अगर आपका दूसरा कुछ होगा, अगर सर्विस कर रहे होंगे तो आप यहाँ लिख दीजिएगा सर्विस, अगर और जो भी कर रहे होंगे, आप बिजनेस अगर कर रहे होंगे तो बिजनेस लिख दीजिएगा, हाउसवाइफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्विस लिखेंगे तो ऑर्गेनाइज कहाँ पर जॉब करते हैं इसको भी आप यहाँ मेंशन करना चाहिए। देखिए फादर में कुछ लिखना पड़ेगा, मिस्टर हो गया, नाम हो गया फादर का नाम, चूज नेशनलिटी यहाँ इंडियन, ये तो डिजेबल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ भर दिए हैं, यस इंडिया हो गया, उड़ीसा हो गया, बालेश्वर हो गया, आपका ये हो गया एड्रेस हो गया, पिन कोड मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। देखिए ये जो स्टार लिख दिया गया है रेड कलर का स्टार, ये मैंडेटरी रहता है, इसका भरना चाहिए, अगर जिसमें नहीं है तो आप नहीं भरने से भी कुछ नहीं होगा। मेल आईडी हम छोड़ देंगे, ऑक्यूपेशन छोड़ देंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर फादर का देना चाहते हैं यहाँ दे दीजिएगा, मेल आईडी देना चाहते हैं यहाँ दे दीजिएगा, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं यहाँ लिख दीजिएगा, कहाँ पर करते हैं यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, देखिए हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन और पेरेंट डिटेल्स हो गया है, एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड 1 एकेडमिक ईयर 2022 और 23। इसके बाद हम करेंगे यहाँ चूज स्टेट ऑफ स्कूल, स्टेट चूज करना पड़ेगा, हमारा यहाँ उड़ीसा चूज करेंगे क्योंकि हम उड़ीसा के हैं। इसके बाद यहाँ चूज करेंगे बालेश्वर 1, आपका जो केंद्रीय विद्यालय का
जो आपका ये होगा क्लास होगा तो आप यहाँ भर दीजिएगा, मैं यहाँ टू कर रहा हूँ, ये सिविल में जाएगा। नहीं तो आप अगर डिफेंस में होंगे तो, अगर डिफेंस सर्विस कर रहे होंगे तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। हमने यहाँ कैबी टू सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए डू नीड हेल्प फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी बेस्ट ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाई स्कोर, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, अगर आप कुछ आपका कैटेगरी होगा, देखिए यहाँ 5 है, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ 3 लिखिएगा, 3 चूज करिएगा। अगर आप हायर लर्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुए तो 2, अगर आप डिफेंस में हुए तो 1, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हुए तो आपका 4, अगर आप कुछ नहीं होगा तो आपका 5 में सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ 5 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे नीचे, देखिए एप्लीकेबल ओनली सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी स्कूल हो प्रायोरिटी, ये इसको हम चूज नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ नेक्स्ट, सॉरी यहाँ तो सिलेक्शन किए थे, नेक्स्ट। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, आपका फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए एज प्रूफ देना पड़ेगा, यहाँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो प्रूफ करने के लिए हमको 62 देना पड़ेगा बच्चे का, और यहाँ फोटोग्राफ भी देना पड़ेगा। यहाँ हम करेंगे चूज फाइल्स, हमारे कंप्यूटर में है तो हम कंप्यूटर से इसको फिलअप कर लेंगे, ये वाला फोटो, सॉरी सॉरी ये अपलोड कर देंगे। चूज करने के बाद आगे अपलोड, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ हम करेंगे चूज फाइल फोटोग्राफ के लिए, थोड़ा टाइम जा रहा है, इसको करेंगे और करेंगे ओपन। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ करेंगे अपलोड, डन, ये हो गया। ये जो आपने भरे हैं तो यहाँ शो करेगा क्या क्या भरे हैं, 2 चीज़, सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, जाएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जाने के बाद देखिए टर्म्स एंड कंडीशन आ गया है, यहाँ आपका क्लिक कर दीजिएगा, जो पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ सेव पर प्रीव्यू कर दीजिएगा। सेव पर प्रीव्यू करने के बाद योर एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद प्रीव्यू करेंगे, हमारा जो हमने जो भरे हैं ये हमारा यहाँ शो करेगा, ये वाला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद देखिए आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आप सबमिट कर देंगे तो बैक नहीं जा पाएंगे, अगर आप सबमिट नहीं करना चाहते हैं, कुछ गलतियाँ हो गया है तो यहाँ नो कैंसिल करेंगे, और अगर सबमिट करना चाहते हैं, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, इसको करेंगे यस सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया है इस पर एक OTP आएगा, ये 15 मिनट का होगा। देखिए यहाँ इफ़ यू डोंट रिसीव OTP विद इन 15 मिनट्स प्लीज प्रेस ये वाला वेरी सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसका आप क्या करेंगे, OTP देना पड़ेगा, जो मेरा मोबाइल नंबर आ गया है, मोबाइल में आ गया है, यहाँ हम दे देंगे OTP, दे दें, दे देने के बाद वेरीफाई OTP पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द एप्लीकेशन सबमिशन कोड इतना लिखा हुआ है 2223055835, आप पढ़ लीजिएगा। डोंट से प्लीज से प्रिंट एप्लीकेशन सबमिशन कोड, द नंबर विल बी यूज्ड द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस एन एप्लीकेशन बाय द स्कूल, ये जरूरत पड़ेगा तो इसको आपको प्रिंटिंग प्रिंट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। प्रिंट एप्लीकेशन करने के बाद आप यहाँ इसका प्रिंट कर सकते हैं, देख लीजिएगा। देखने बाद प्रिंट एप्लीकेशन पे यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। सेविंग, यहाँ देखिए सेविंग हो रहा है, सेव हो गया, यहाँ इसको करेंगे सेव, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं कर दीजिएगा। करने के बाद देखिए हमारा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिलअप करना चाहते थे ये फिलअप हो गया है। अगर आप बारीकी से वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, बस 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए और एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपका 256 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ, जय हिंद।